तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा रूटर एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आप भी फ्री में BC, UC या फिर COD की करेंसी लेना चाहते हो फ्री में, तो गाइस रूटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, मेरे को वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर गाइस अगर आप लाइव स्ट्रीम देखते हो किसी भी यूट्यूबर की, यहाँ पर लाइव स्ट्रीम वगैरह देखते हो या फिर आप खुद भी लाइव स्ट्रीम करते हो, तो आपको भाई कॉइन्स देखने को मिलेंगे, प्लस डेली की टास्क आपको मिलती है। अगर आप इन टास्क को कंप्लीट करते हो तो भाई आप डायरेक्टली कॉइन्स को मतलब ले सकते हो और उन कॉइन्स को आप रिडीम कर सकते हो डायरेक्ट पेटीएम कैश में और गेम की करेंसी में, किसी भी गेम की, जैसे पबजी मोबाइल लाइट, COD, कोई भी गेम हो गया, ठीक है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेरे लिंक से इंस्टॉल करते ही कुछ कॉइन्स भी आपको मिल जाएंगे, तो जल्दी जल्दी इंस्टॉल आप कर लीजिए। तो वेलकम बैक गाइज, आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में वापस। तो गाइज आज की वीडियो होने वाले कतई ज्यादा खतरनाक, क्योंकि गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल लाइट का जो एक न्यू बीटा में अपडेट आया था कल, ठीक है, 0.20.0 हो चुका अभी बीटा का अपडेट, ठीक है। तो गाइज उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके कुछ ऑल फीचर्स बताने वाला हूँ बीटा अपडेट के अंदर, कुछ सीक्रेट फीचर बताने वाला हूँ जो कि अभी तक आपको नहीं पता होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएंगे। तो वीडियो भाई पूरा एंड तक देखना, और हो सके तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अपने होने वाले 300K सब्सक्राइबर, ठीक है, उस पर भी कुछ स्पेशल जरूर करेंगे। तो जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो। तो अभी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर ले। Yeah, don't know the game. You keep mentioning my name. We don't like what you say. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर भाई आइकन चेंज कर देंगे, जैसे ही आप अपने मतलब मिशन या फिर अचीवमेंट में जाओगे तो बिल्कुल आइकन चेंज कर देंगे पहले से। आई थिंक अचीवमेंट तो ऐड नहीं की गई, लेकिन आइकन जरूर से जरूर चेंज कर दिए गए हैं। प्लस एक टाइटल भी यहाँ पर आ चुका है जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, आप देख सकते हो लॉबी के अंदर। गाइज सबसे पहले तो यार जो कल का अपडेट आया था ना, उसमें भाई ये ग्लिच भर भर के आए थे। सबसे पहले तो ये ग्लिच आया था, आप देख लीजिए बंदा यार मतलब कैसे खड़ा हुआ है, ये कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। मतलब ये देखिए गाइज, एक लॉबी में ऊपर खड़ा हुआ है, एक नीचे इसके मतलब पैरों में खड़ा हुआ है, मतलब समझ नहीं आ रहा यार है क्या है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आई थी कल, ठीक है। उसके बाद गाइज और मैं बताऊँगा आपको, बाकी मैप वगैरह के अंदर कुछ और नहीं था इसमें, बाकी ये ग्लिच सबके साथ नहीं हुआ, ठीक है। एक क्लिप भी मैंने मंगवाई है किसी से, तो ये मतलब सबके साथ नहीं हुआ, ठीक है, किसी किसी के साथ हुआ था। तो ये एक सबसे पहला सीक्रेट फीचर ही लगा लीजिए या फिर ग्लिच लगा लीजिए जो कि आपको मैंने बता दिया। अब गाइस सेकंड जो चीज़ है भाई वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो भाई लॉबी में ना एक निशान लगाने का ऑप्शन आ गया, यूनिवर्सल मार्क बोलते हैं उसको, किसी भी चीज़ को अगर आप मार्क लगाओगे तो जैसे कि वेस्ट होती है, अगर दूर होगा तो आप हवा में उड़ेगी, मतलब आपको दूर से पता चल जाएगा। यूनिवर्सल मार्क आपको पता होगा, पबजी मोबाइल में भी होता है, ठीक है, वरना आप सर्च कर सकते हो, बाकी जब आएगा आपको पता चल जाएगा। बहुत फ़ायदे हैं इसके, ठीक है। एक ये चीज़ आ चुकी है, एक भाई ऊपर आप ऑल की साइड में पेंट देख सकते हो, वो भी आ चुका है, यानी कि आप इसका भी यूज़ कर पाओगे जैसे पबजी मोबाइल में होता है, ठीक है। तो ये भी इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो जब ग्लोबल में आएगा तो आपको और डिटेल में बता देंगे, बाकी अभी ऐड हो चुका है, ठीक है। इससे आप पेंट वगैरह कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारे इसके फायदे हैं, ठीक है, कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों मैं यूनिवर्सल मार्क के बारे में बता रहा था, जैसे ही आप मतलब मार्क लगाओगे तो एनिमी की लोकेशन मार्क कर देगा, या फिर कोई चीज़ पड़ी होगी तो वो कर सकते हो आप मार्क, ठीक है। इस पर अगर आप टैप करके रखते हो तो ये देखिए भाई काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि अटैक, डिफेंड, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर निकल के आते हैं अगर आप इस पर टैप करके रखते हो, ठीक है। तो ये फीचर भी अभी ऐड कर दिया गया है पबजी मोबाइल लाइट के अंदर। बाकी ये अपडेट अभी स्टेबल नहीं है, और भी अपडेट आने के चांस है, क्योंकि बीटा में यार एक दो अपडेट नहीं आते, काफ़ी सारे अपडेट। एक और चीज़ मैं मतलब मेन आपको बताना चाहूँगा इसी के अंदर भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैंने वो चीज़ देखी, ठीक है, मतलब ग्लिच वगैरह के बारे में ही है। तो वीडियो पूरा देखना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें कुछ फिक्स किया गया। सबसे पहले तो भाई बता दूं आपको, ना तो शॉटगन क्रॉसहेयर चेंज किया गया है, ठीक है, ना ही RPG को रिमूव किया गया क्लासिक से, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रूफ के साथ। उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, नेक्स्ट है ना, यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो ये एक न्यू लोकेशन ऐड की गई थी, मतलब इससे दो अपडेट छोड़कर पुराने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे जा सकते थे, इसके यहाँ पर ये लोकेशन थी, मतलब आप इसके अंदर जा सकते थे, आर पार जा सकते थे और बंदों को इजली पेल दे देते, मतलब ग्लिच था एक। मैंने बोला था कि फिक्स हो जाएगा जल्दी, लेकिन भाई दो अपडेट तक तो फिक्स नहीं किया, लेकिन इस अपडेट में गाइस फाइनली इसको फिक्स कर दिया गया है। आप कोशिश करोगे तो भी अंदर नहीं जा पाओगे गाइस, ये बहुत तगड़ा ग्लिच था एक, ठीक है, जो अभी फिक्स कर देगा आई थिंक, ठीक है। बाकी और मतलब बंदे ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं से अंदर जाने का जुगाड़, लेकिन यार अभी फिलहाल के लिए इसको फिक्स कर दिया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है भाई, इसको फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था RPG, हाँ गाइज RPG को रिमूव नहीं किया गया ड्रॉप से, अभी भी ड्रॉप में RPG मिल रहा है, क्योंकि भाई देखो डिस्कॉर्ड पे ना ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी एक बार कि RPG को रिमूव कर दिया जाएगा, S12K को डैमेज कम कर दिया जाएगा, क्योंकि यार ऑफिशियल टूर्नामेंट आया था, लेकिन टूर्नामेंट ही कैंसिल हो गया, पबजी मोबाइल मतलब बैन वगैरह हो गया, तो प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसी करके
अभी तक तो भाई आरपीजी को रिमूव नहीं किया गया, आई थिंक कर दे यार, मेरे को नहीं पता। बाकी देखो वैसे गेम तो ग्लोबली यार करना चाहिए था, ठीक है, तो आरपीजी अभी तक रिमूव नहीं किया गया। ये कुछ छोटे मोटे मतलब अपडेट थे मतलब बीटा के अंदर। बाकी अगर आपको कुछ न्यू चीज़ मिलती है ना तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। बाकी यही चीज़ थी जो कि मैंने मेनली आपको बतानी थी। दोबारा दिखा देखिए आरपीजी फिर से है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सल मार्क इसमें बहुत अच्छा ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद मतलब यही चीज़ थी भाई, ठीक है। और न्यू लॉबी भाई देखो अभी विंटर का अपडेट भी आएगा तो न्यू लॉबी भी आएगी, ठीक है। बाकी कस्टमाइजेशन भी की जाएगी मैप में, तो अभी बीटा का जो अपडेट है स्टेबल नहीं है, तो और भी अपडेट आने के चांस यहाँ पर बन जाते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। भाई रूटर को इंस्टॉल जरूर कर लो, अगर आपको भी फ्री में बीसी या फिर यूसी चाहिए और वहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हो स्ट्रीम देख कर भी, ठीक है, स्ट्रीम देख कर भी, स्ट्रीम करके भी, तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। तो मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम।